लिए कब काम आएगा तू? कल दो निहत्थे पाकिस्तानी हमारे पोस्ट के आसपास घूम रहे थे, मार गिरा सालों को मैंने। एक बार पूछ लिया था सर। पूछा क्या है, वो भी तो हमारे साथ यही करते हैं, और तुम्हारा काम ऑर्डर फॉलो करना है, सोचने का काम हम पर छोड़ दो। सर अबे बुजदिल हरामी साले, तुम है तो सामने से आके वार करना। पीछे से वार करने की आदत रही है तुम पाकिस्तानियों की, दम है तो आना सामने। मैं पाकिस्तानी फट गई क्या तेरी? मादर चोद, अपने आप को बॉर्डर का सनीदेव समझते हैं क्या? पीछे से वार करने की आदत तुम लोगों की है, यही तो करते हैं 70 साल से तुम लोग। अबे चुपचाप अपने पोस्ट पर चला जा वरना यही दफना दिया जाएगा तू। अबे कुत्ते के बच्चे, अपनी ही पोस्ट पे बैठा था जब कुछ हरामियों ने आके हमारी पोस्ट पर बम गिरा दिया, उल्टा वार करने के लिए हमें यही आना पड़ा। वार करना है तो सामने वाले के गोल पर नहीं उसके दिमाग पर करो, गोल खुद ब खुद हो जाएगा। वाह बेटा, सनी देओल से सीधा शाहरुख, क्या बात है हरामी, काफी फिल्में देखता है हमारी तू। जानी हम तुम्हें मारेंगे, जरूर मारेंगे, लेकिन बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी, और वक्त भी हमारा होगा। सौदागर 1991। अच्छा अब ये सुन, अशरफ अली, तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, और जिंदाबाद रहेगा। कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। सूर के बच्चों, रवीना खरीना, सबकी बंदूकें लेके गटर में फेंक दो। तुम्हारा नाम क्या है? बसंती। ठक्की चिक्की, ठक्की चिक्की, ठक्की चिक्की था। इसमें तो एक ही गोली थी। ठीक 12 बजे कौमी सलाम होगा, जिसमें कौमी तराना बजाया जाएगा। ले खड़ा हूं मैं, चला ले अब गोली। यही है हमारी जिंदगी, हम फौजी हमेशा की तरह बॉर्डर पे एक दूसरे की गांड मारते रहेंगे, और वो सत्ता में बैठे हरामी पटाखे फोड़ेंगे, व्हाट्सएप पे एक दूसरे के फॉरवर्डेड मैसेजेस भेजेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है दोस्त, चाहे टेरर अटैक हो, चाहे सिद्धि झगड़े हो, या बॉर्डर पे तनाव हो, आखिर में मरता तो सारा आम आदमी है। साला इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है क्योंकि हमारे मुल्कों को अंग्रेजों से आजादी मिली थी, लेकिन ये हरामी मीडिया वाले LOC, बॉर्डर, सरफरो जैसी मूवी दिखा के आम जनता को चूतिया बनाते रहते। और वैसे भी आवाम भी बड़ी हरामी है, खाते यहाँ की है, गाते हिंदुस्तान की, दुश्मनी तो शान से निभाते हैं। पाकिस्तान में कोई भी एक ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे बॉलीवुड की फिल्में ना चलती हो। और हमारे यहाँ आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, नुसरत साहब और पाकिस्तानी कोक स्टूडियो के गाने। दोस्त, एक आम आदमी तो आज भी अपनी तकलीफों से परेशान है, दो वक्त की रोटी कमाने के लिए आज भी तो उसे सिस्टम से झगड़ना पड़ता है, इस दुश्मनी के लिए वक्त ही कहाँ है हमारे पास। यार इस बात पर लता जी की दो लाइनें याद आ गईं। जब देश में थी दिवाली,
वो खेल रहे थे होली जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। हे हिंदुस्तानी, एक बार अपनी शक्ल तो दिखा। आजा यार, अब गोली नहीं चलाऊंगा। क्या बात है हिंदुस्तानी, दिखने में तो तू भी इंसान का बच्चा लगता है। वैसे तू भी थोड़ा बहुत इंसान तो लग ही रहा है। फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, रंजिश ही सही। माशाल्लाह दोस्त, माहौल बना दिया। वक्त कैसे निकला पता ही नहीं चला। मैं कहता हूं गोली चला। माधव चोर बहराओ जा क्या तू? आज मैं कहता हूं गोली चला। अगर इसको छोड़ दिया ना तो यह पाकिस्तानी हम दोनों को मार कर निकल जाएगा। नमस्कार, आज देश आजादी के 70 साल का जश्न मना रहा है। थोड़ी देर बाद पीएम लाल किले की प्राचीर से देश के 125 करोड़ लोगों को संबोधित करेंगे। देशद्रोही, एक दुश्मन को बचाने के लिए तू हिंदुस्तानी ऑफिसर पर बंदूक डाल रहा है। नहीं सर, पहली बार एक इंसान को बचाने के लिए उसके दुश्मन को बंदूक दिखा रहा हूं। इसे जाने दीजिए सर, इसे जाने दीजिए। ये अपने पोस्ट पर वापस जा रहा था, इसे जाने दीजिए। दोस्त चला जा, चला जा दोस्त। नाम क्या है तेरा दोस्त? नायक। हिंदुस्तान जिंदाबाद दोस्त। पाकिस्तान जिंदाबाद। अबे पहले नोटबंदी, ऊपर से खाने पे पाबंदी, और अब ये जीएसटी। घंटा अच्छे आए तेरे दिन। अबे भोसड़ी के, तुम जैसे लोग ना कभी खुश नहीं रह सकते। अबे घोचू, अपना ड्रिंक पी और निकल। सर एक बात कहूं? जी। उस दिन आप उस पाकिस्तानी को गोली मार सकते थे और मेरा कोर्ट मार्शल करा सकते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। पूछ सकता हूं क्यों? नायक, कौन अच्छा है और कौन बुरा है इसका फैसला हम आर्मी वालों की एक गोली बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अमन तो दिलों में हम भी चाहते हैं। 70 साल हो गए आजादी लिए हुए, लेकिन आज तक हमने उस नफरत से आजादी नहीं पाई। लेकिन अब लगता है कि शायद वक्त बदलेगा। Cheers। रंजिशों की बातें की हमने बहुत, अब कुछ मोहब्बत की बातें करें। जमीनी लकीरें कब मिटेंगी पता नहीं, चलो तब तक दिमागी सरहदों को आजाद करें। कैद करें हर नफरत को और खुशियों को आबाद करें। जमीनी लकीरें भी मिटेंगी एक दिन, चलो इस बार दिमागी सरहदों को आजाद करें। आएंगे साथ में ईद मनाने और चाहेंगे कि दिवाली भी साथ मनाएं। कुछ ऐसा करते हैं कि कुर्सी के ये तलबगार सरहदों पर सियासती रोटियां ना पकाएं। करना है तो कुछ अच्छा करते हैं, क्यों बिना मतलब के फसाद करें। जमीनी लकीरें कब मिटेंगी पता नहीं, चलो तब तक दिमागी सरहदों को आजाद करें।